ये है नंबर दूसरा। चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा बोलते हैं, पांचवा देख लो। पांचवा ईवीएम और वोट परसेंट पर बहस के बीच पोलिंग बूथ के अंदर लिए गए एक वायरल वीडियो ने सभी के होश उड़ा दिए। वीडियो में एक लड़का 8 बार भाजपा को वोट डालता हुआ नजर आया। मामले पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से गंभीर सवाल किए तो आयोग ने भी मामले पर बयान जारी किया। 8 बार वोट करने वाला ये लड़का है कौन और कैसे वोट डालते हुए उसने वीडियो तक बना लिया, वो भी एक नहीं 8 बार वोट करते हुए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्या कहा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि लड़के पर अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। यूपी में एटा जिले में नयागांव कस्बे में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन मामले को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई। एक वायरल वीडियो के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। वीडियो में लड़का 8 बार वोट डालने का दावा करता हुआ नजर आया। वीडियो में लड़का हर बार ईवीएम पर बटन दबाते हुए गिनती करता है। गिनती 1 से 8 बार होती है। हर बार वोटिंग की पर्ची भी वो दिखाता है। इसमें भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत का नाम लिखा है। एटा के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मतदान केंद्र की पहचान भी कर ली है। पुलिस ने कहा वो अभी वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने अपडेट करते हुए बताया कि पहचान भी कर ली गई है और गिरफ्तारी भी हो गई है। इस मुद्दे पर ट्विटर पर पोस्ट के जरिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लिखा, अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो कुछ कार्रवाई जरूर करें, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अखिलेश के पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वो दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को ना भूलें। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने बताया कि घटना की FIR एटा जिले के नयागांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। वीडियो में कई बार वोट करते दिख रहे व्यक्ति की पहचान खेरिया पमरान गांव के राजन के रूप में हुई है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मतदान दल के सभी मेंबर्स को निलंबित करने और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। संबंधित मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग को पुनर्मतदान की सिफारिश भी की गई है। यूपी के बाकी चरणों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओं की पहचान के संबंध में प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किया गया है। बता दें कि नयागांव अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है जो फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर 13 मई को मतदान हुआ था। फर्रुखाबाद की भाजपा के निवर्तमान सांसद मुकेश राजपूत का मुकाबला समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाके से था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।